अगर कभी ये पूछा जाए कि न्यूमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसके लिए हमारा सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा फेफड़ा। और अगर कभी ये पूछा जाए कि जो पेड़ों की छाल होती, पेड़ों की छाल जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सेलुलोज की।